डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और अब वो प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में और साथ में एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन किया था, और वहाँ पर हमने देखा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो शेप है वो किस प्रकार की होती है, एस के रेस्पेक्ट में शेप क्या होगी, एल के पी के रेस्पेक्ट में शेप क्या होगी, डी के रेस्पेक्ट में शेप किस प्रकार की होती है। तो जनरली ये जो टॉपिक है और डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो नोड पाए जाते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रैक्टिस होनी होती है, नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। जो नया टॉपिक है अबव प्रिंसिपल, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो अबव प्रिंसिपल अपने आप में एक चार प्रिंसिपल्स या रूल्स का एक समेशन है, योग है, और जिसके आधार पर हम किसी एटम या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अबव प्रिंसिपल जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, बनाना। इस अबव प्रिंसिपल के अंतर्गत चार प्रकार के नियम आते हैं। पहला है एन प्लस एल रूल या न्यूनतम ऊर्जा नियम, मिनिमम एनर्जी रूल, या हम कह सकते हैं एन प्लस एल रूल। तो जो डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिनिमम एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले मिनिमम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में भरा जाता है। और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इनका योग करते हैं, और जिस पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल का मान दोनों प्रकार के क्वांटम नंबर का योग जिसके लिए कम आता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन रूल या पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये नियम ये बताता है कि किसी भी एटम में या किसी भी आयन में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, जिनके लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान हो। थर्ड रूल की बात करें तो यह है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, और ये नियम ये बताता है कि जब एक की ऊर्जा के एक समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं, जिनको हम डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं या संभ्रंश कक्षक बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि उन कक्षकों की ऊर्जा वो बिल्कुल समान होती है। जब हम इस प्रकार के सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तब तक भरते हैं जब तक मल्टीप्लिसिटी वो मैक्सिमम नहीं हो जाती, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नहीं हो जाते, उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाते हैं। और फर्दर हम फोर्थ रूल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इनके कंपेयर में जो इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी, यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी है वो इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन से हमेशा अधिक होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल जिसको हम बोलते हैं एन प्लस एल नियम। जनरली हम कह सकते हैं कि जो सबसेल होते हैं, हम कई बार यहाँ पर उपस्तर भी कहेंगे, कई बार हम कक्षक भी कहते हैं, एक्चुअली जो उपस्तर होते हैं, सबसेल होते हैं, उनके जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, पर्टिकुलर हम पी की बात करें तो पी में पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड, तो ये सारे डीजनरेट होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी लेवल है वो इक्वल होती है। तो जो एन प्लस एल रूल है वो पर्टिकुलर किसी सबसेल के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो वहाँ पर सबसेल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम पर्टिकुलर उस सबसेल के लिए एन प्लस एल का योग निकालते हैं, और जहाँ पर एन प्लस एल का मान किसी ऊर्जा स्तर के लिए कम होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले फिलअप करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो सबसेल्स हैं वो शो किए गए हैं। तो सबसे पहले हम
बात करते हैं 1s की, तो n इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर जो पहली डिजिट है ये रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। n का मान 1 होगा। हम जानते हैं कि s के लिए l का मान 0 होता है, तो n प्लस l का योग 1s के लिए होगा 1। इसी प्रकार 2s के लिए होगा 2, 2p के लिए होगा 3, 3s के लिए होगा 3, 3p के लिए होगा 4। इस प्रकार हम डिफरेंट टाइप्स के जो सबसेल्स हैं उनके लिए हम n प्लस l वैल्यूज निकाल लेते हैं। हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि कुछ सबसेल ऐसे हैं जिनके लिए n प्लस l वैल्यूज जो वो सिमिलर है। जैसे 2p और 3s की बात करें तो इन दोनों के लिए n प्लस l का मान इक्वल है, 3 है। यहाँ पर हम बात करें 3d और 4p के रेस्पेक्ट में और 5s के रेस्पेक्ट में, तो इन तीनों के लिए n प्लस l का मान है वो 5 है। इसी प्रकार 4d और 5p के लिए n प्लस l 6 है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि किन्हीं दो या तीन सबसेल्स के लिए n प्लस l का मान समान आए, तो हम इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में उस वाले सबसेल को प्रीफर करते हैं, कम एनर्जी लेवल का मानते हैं, जिसके लिए n का मान कम होता है। मीन्स यहाँ पर हम 2p और 3s में जब इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर इनको कंपेयर करते हैं, तो इनके लिए n प्लस l का मान तो समान है, लेकिन यहाँ पर n का मान 2p के लिए 2 है और 3s के लिए 3 है। तो हम इलेक्ट्रॉन पहले 2p में भरेंगे न कि 3s में। इसी प्रकार इनमें देखें 3d, 4p, 5s जिनके लिए n प्लस l का मान समान है, तो हम इस कंडीशन में ये देखेंगे कि n का मान कौन से सबसेल के लिए कम है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरे जाएंगे। तो यहाँ 3d में पहले भरे जाएंगे, उसके बाद में 4p में और देन 5s में। फर्दर हम बात करते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी परमाणु या किसी भी आयन के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो एक ऑर्बिटल के हो सकते हैं या डिफरेंट सबसेल्स के हो सकते हैं, इन पर्टिकुलर किसी एक एटम या एक आयन से रिलेटेड होते हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा बताया गया है कि लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 पाए जाते हैं, 1s2, 2s1, दो इलेक्ट्रॉन 1s में होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 2s में होता है। तो इनके लिए हम जब डिफरेंट जो क्वांटम नंबर्स हैं वो यदि देखें, तो यहाँ पर 1s के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनको कंपेयर किया गया, तो 1s मतलब n का मान दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1-1 होगा और l का मान s के रिस्पेक्ट में 0 होता है, 0-0 होगा। यदि l का मान 0 है तो m का मान भी 0-0 होगा। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। तो हमने जब क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो हमने इसको डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तो उसकी स्पिन पर्टिकुलर दो डायरेक्शन में पॉसिबल है, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होती है तो हम उसको उसके लिए प्लस हाफ वैल्यू रखते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान होता है वो -1/2 होता है। और जनरली जब हम नोटेशन के द्वारा इनको शो करते हैं तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में एरो शो करते हैं ऊपर की तरफ तीर का एक चिन्ह होता है, जब हम बॉक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो जो एरो की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है और उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान +1/2 होगा। और यदि हम एरो डाउनवर्ड
डायरेक्शन में शो करते हैं तो उसका मतलब होगा उसके लिए माइनस हाफ। तो यहाँ पर जो एक की कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक को हम अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं, एक को डाउनवर्ड में। तो जो अपवर्ड में होगा उसके लिए इसका मान प्लस होगा हाफ, और डाउनवर्ड में होगा उसके लिए माइनस हाफ होगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीन क्वांटम नंबर के मान तो इक्वल है लेकिन चौथी का मान डिफरेंट है। तो इस प्रकार किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की किसी पर्टिकुलर एक ही सिस्टम से रिलेटेड होनी चाहिए, मीन्स किसी एक एटम का हो या किसी एक ही आयन के दो इलेक्ट्रॉन हो, तो उनके लिए चारों क्वांटम नंबर से वो कभी भी समान नहीं हो सकते। अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म आती है डीजनरेट, तो एक्चुअली डीजनरेट होता क्या है कि एक ही जो सबसेल होता है उसके एस के रेस्पेक्ट में बात करें तो एस सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी डी एफ की बात करें तो इनमें बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और पी के रेस्पेक्ट में यदि हम देखें तो वहाँ पर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल सिमिलर होती है। तो जो समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं उनको बोलते हैं डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब हम सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं तो सबसे पहले हम अयुग्मित बढ़ते हैं, और तब तक बढ़ते हैं जब तक जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है या जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम न हो जाए, उसके बाद में हम पेयरिंग स्टार्ट करवाते हैं। यहाँ पर कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। हम जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे। यहाँ पर दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन दिखाए गए हैं, पहला 1s में इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन करने के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ पैड करवाते हैं। उसके बाद में हायर एनर्जी का जो 2s ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो भरे जाएंगे। अब रिमेनिंग जो दो इलेक्ट्रॉन है वो 2p सबसेल के जो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं px, py, pz इनमें भरे जाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि अपने पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन px में, फिर py में, और pz वाला वैकेंट है। तो ये डी जनरेट है, इन तीनों की जो एनर्जी है वो इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन हम अयुग्मित फॉर्म में भरते हैं। दूसरा जो टाइप है यहाँ पे शो किया गया है उसमें हमने 1s में भर दिया, उसके बाद 2s में भरा, उसके बाद 2p में हमने एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल में इसको पैर करवा दिया। तो ये वाला जो पैटर्न है ये कभी भी फॉलो नहीं किया जाता, ये गलत है। ये वाला पैटर्न है जिसमें डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और मैक्सिमम नंबर तक भरे जाते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाते हैं। यहाँ पर जो डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स है यदि इनकी संख्या हम n1 मान लें और n2 यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माने, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। यदि हम कहें कि जो कक्षकों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के इक्वल या उससे अधिक है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे n2 के बराबर, और यदि हम कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो समान ऊर्जा वाले कक्षकों की संख्या से यदि ज़्यादा है n2 इज ग्रेटर देन n1 देन हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 2n1 - n2। फर्दर हम फोर्थ रूल की बात करें तो हमने कहा था कि जो इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन है उसकी कंपैरिजन में हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का जो रीज़न है वो एक्चुअली है क्या, और हम कई बार देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं
या पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो वहाँ पर सिंपल हम यदि एग्जांपल के रूप में देखें तो क्रोमियम और कॉपर के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इनमें एक जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, एक जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे इसको देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि क्रोमियम के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का होना चाहिए D4S2, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है D5S1। और इसी तरह हम बात करें कॉपर के रेस्पेक्ट में तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D10 4S1, जबकि अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड देखें तो 3D9 4S2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इनमें एक हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको प्राप्त करने की टेंडेंसी पाई जाती है जिससे स्टेबिलिटी है वो बढ़े। तो इसके लिए हम जो स्टेबिलिटी बढ़ती है एक्चुअली में जो डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें जो सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में एक्सचेंज होते हैं और इस एक्सचेंज के प्रोसेस में विनिमय होते हैं और इस एक्सचेंज के प्रोसेस में कुछ एनर्जी है वो कंज्यूम की जाती है, यूटिलाइज की जाती है, तो सिस्टम की एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है और जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सचेंज जिसको हम विनिमय ऊर्जा बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, इसके कारण सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके द्वारा हम विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी है उसको कैलकुलेट करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम स्पिन के होते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में हम विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी निकालते हैं और यदि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही होती है तो इसके लिए हम पेयरिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं साथ में और दोनों को हम दोनों का योग करते हैं और हम देखते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू है जो एक्सचेंज एनर्जी वैल्यू है वो यदि पर्टिकुलर किसी सिस्टम के लिए अधिक है और दूसरे के लिए कम है तो हम कह सकते हैं कि जिस सिस्टम के लिए एक्सचेंज एनर्जी का मान ज़्यादा आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ रही है, उसको हम कह देंगे कि वो स्टेबल है, जो माइनस में आ रही है। और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे पहले फॉर्मूला की बात करें तो EK = -N(n-1K/2). तो यहाँ पर EK एक्सचेंज एनर्जी है और N यहाँ पर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, K यहाँ पर एक कांस्टेंट है। D5 के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर हम D5, D4, D6 को कंपेयर कर रहे हैं तो D5 के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हुंड के नियम के अनुसार भरे गए हैं अयुग्मित, जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर है वो सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेम स्पिन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर इस सिस्टम में 5 है। एन का मान हम 5 रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है एक्सचेंज एनर्जी की वो आती है -10K। फर्दर हम D4 के लिए बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं जिनकी स्पिन सेम है तो एन का मान 4 होगा और इसके लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो EK जो एक्सचेंज एनर्जी उसका मान आएगा -6K। फर्दर हम D6 के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर सेम स्पिन के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 के लिए हमने पहले निकाली थी तो ये आएगा -10K, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एरो अपवर्ड डायरेक्शन में और ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन इनसे डिफरेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो ये कहीं भी एक्सचेंज नहीं हो सकता तो इसके लिए एक्सचेंज एनर्जी हम 0 मान लेंगे और इस सिस्टम के लिए जो पेयर हुआ है इसके लिए हम पेयरिंग एनर्जी मानेंगे पाई। तो जब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये होगी -10K+π, मतलब
जो एक्सचेंज एनर्जी माइनस 10 के आई थी, अब ये इसके साथ जो पेयरिंग एनर्जी है वो प्लस होगी, तो सिस्टम की एनर्जी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की और स्टेबिलिटी है वो थोड़ी डिक्रीज होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।